आप सभी लोगों ने हमारे चैनल पर बहुत सारे सेटअप देखे होंगे, जो आटा चक्की को डायरेक्ट सोलर से चलाते हुए बहुत सारे हमने सेटअप लगाए, 500 से अधिक ज़्यादा सेटअप लगा चुके हैं अभी तक आटा चक्कियों पर। आज आपको हम दिखाते हैं कि यहाँ पर डायरेक्ट पेपर मैन्युफैक्चरिंग मिल जो है, गत्ता मैन्युफैक्चरिंग मिल जो है, वो डायरेक्ट कैसे सोलर से चल रही है, आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। यही दिखाने के लिए दोस्तों मैं प्रयाग सोलर पावर से विनय साहू अभी आ चुका हूँ मुजफ्फरनगर जिला में, जहाँ पर हमने करीब 5-6 महीने पहले एक कागज़ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पर सोलर सिस्टम लगाया हुआ था। तो आज की इस वीडियो में यही दिखाने वाला हूँ कि ये प्लांट कैसे चल रहा है, डायरेक्ट सोलर पैनल से कैसे काम कर रहा है, और क्या क्या यहाँ पर बेनिफिट सोलर पैनल का डायरेक्ट ले पा रहे हैं, और कैसे इन्होंने बिजली बिल और डीजल इंजन को कर दिया है टाटा बाय बाय। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और साथ में यहाँ के जो ओनर हैं इस प्लांट के, उनसे भी बातचीत करेंगे, उनका भी अनुभव जानेंगे कैसे उन्होंने सोलर का सिस्टम लगवाया, और अभी प्रेजेंट टाइम में क्या बेनिफिट पर डे पर मंथ क्या इनकम ले पा रहे हैं। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, ये हमारा सोलर सिस्टम है जो हमने मुजफ्फरनगर भोपा रोड में लगा रखा है। दोस्तों यहाँ पर हमने जो मेड्यूल लगाए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर 32 मेड्यूल लगे हैं, 575 वाट के टॉपकॉन मेड्यूल हैं जो यहाँ पर लगाए गए हैं। 32 मेड्यूल मतलब 18.5 किलोवाट का ये हमारा सोलर सिस्टम है जो अभी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। इस पैनल की अभी धुलाई चल रही है दोस्तों, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा मिट्टी जम गई थी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी मारकर सिंपल धुलाई की जा रही है। जैसे आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का कमेंट ये भी रहता है कि हम पैनल को कैसे साफ करें, लेकिन नेचुरल तरीका यही होता है कि हम उसको जो है पानी मार करके हर सुबह जो है पानी मार दें, जिससे वो साफ़ हो जाए। अगर हम बैक साइड की बात करें यहाँ पर इंस्टॉलेशन की दोस्तों, तो यहाँ पर आप देखेंगे, मैं आपको पैनल तो दिखा दिया, जैसे आपको हमने बताया था ये बायफेशियल मेड्यूल है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये बैक साइड से भी 10-15% वर्क करता है, और जो स्ट्रक्चर माउंटिंग किया गया है देख पा रहे हैं 2.2 हॉट डीप GI स्ट्रक्चर पर पूरा का पूरा सिस्टम इंस्टॉल्ड किया है। आप देख पा रहे हैं बेहतर ढंग का सिस्टम जो है वो हाई राइज स्टैंड का यूज़ करके किया गया है। दोस्तों ये पैनल के यहाँ पर आप देखते हैं ये मील है जो अभी चलाएंगे इसको, अभी इनके वर्कर आ जाएंगे, तो यहाँ पर ये कागत्ता मैन्युफैक्चर जो प्लांट है ये डायरेक्ट सोलर इसी प्लांट से चलने वाला है। तो चलिए आपको हम यहाँ पर लोड टेस्टिंग दिखा देते हैं कैसे यहाँ पर चल रहा है। तो दोस्तों चलिए आपको यहाँ पर हम दिखाते हैं कि सोलर पैनल से डायरेक्ट ये यहाँ पर जो उनका पेपर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो कैसे काम कर रहा है। तो दोस्तों ये है पैनल, जिसे आप देख पा रहे हैं, और यहाँ पर अभी आपको हम दिखा देते हैं क्या लोड चल रहा है। दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इनकी दो मशीनें चल रही हैं, जो गत्ता मैन्युफैक्चर अभी प्रेजेंट टाइम में हो पा रहा है डायरेक्ट सोलर पैनल से चल रहा है। कैसे काम कर रहा है ये आप एक बार देख लीजिए, देख सकते हैं आप इस तरह के कुछ गत्ता जो है बना बना कर रखा जा रहा है, जिसको अभी धूप में सुखाया जाएगा यहाँ से ले जा करके। मैं आपको प्रक्रिया एक बार समझा देता हूँ कैसे यहाँ पर ये जो गत्ता होता है दोस्तों, ये ज़्यादातर मिठाई के डिब्बे या फिर अंडे वगैरह रखने में जो गत्ते यूज़ किए जा रहे हैं वो गत्ते इस तरीके के बनते हैं, उसके बाद इसको सेप दिया जाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये यहाँ पर दो मशीनें हैं, दोनों डायरेक्ट अभी प्रेजेंट टाइम में सोलर से ही चल रही है। देख पा रहे हैं बेहतर ढंग का इनका वर्क जो है वो हो पा रहा है। दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जो मटेरियल होते हैं ये इस जो यहाँ पर लगा हुआ साफ्टिन टाइप यहाँ पर देख पा रहे हैं पट्टी टाइप, इससे यहाँ पर ये रोल होके आता है, जिससे यहाँ पर ये मैन्युफैक्चर जो है वो हो पा रहा है। मशीनें बेहतर ढंग से चल जा रही हैं, दोनों मशीनें चल जा रही हैं। एक छोटी यूनिट है गत्ता मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की दोस्तों, इससे पहले आपको हमने दिखाया हुआ है 100 किलोवाट का जो गत्ता मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पर हमने सेटअप लगाया था, वो भी आपको हमने दिखाया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दो बड़े बड़े रोल होते हैं एक मशीन के अंदर जो रोल करते हैं, और जिससे ये एक शेप लेकर के निकलता है। इसका जो मटेरियल होता है वो एक वेस्टेज होता है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों में कागज़ जो पेपर जो मीलें होती हैं उसमें जो वेस्टेज निकलता है उस वेस्टेज का यहाँ पर यूज़ किया जाता है। देख पा रहे हैं इस तरीके का वेस्टेज होता है जो ये लोग न्यूज़पेपर कंपनियाँ से जहाँ पेपर मैन्युफैक्चर होता है वहाँ से ये लोग परचेस करते हैं। इस वेस्टेज को रिसाइकल किया जाता है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस वेस्टेज को यहाँ इस में डाला गया है। अब यही वेस्टेज जो है वहाँ पर गत्ते का शेप लेकर के जो है वो निकलता है दोस्तों, जिससे क्या हो जाता है कि हमारा एक ही मटेरियल जो है दो बार जो वेस्टेज होने वाले रहते हैं उनको भी हम यूज़ कर पाते हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मोटर वगैरह जो सेट किया गया है, बेसिकली ये वर्क जो है मोटर से ही कर रहा है। यहाँ पर आपको एक डायनमो और एक मोटर दिख जाएगा जो अभी डायरेक्ट सोलर पैनल से रन हो रहा है। वही सिस्टम है जैसे चक्कियों में होता है, यहाँ पर भी मोटर लगी हुई है, वैसे सिस्टम उसमें भी लगा होता है। आप देख पा रहे हैं साफ्टिन पुल्ली से पूरा का पूरा सेटअप जो है वो सेट किया गया है। इनकी आपको दोनों मशीनें हमने दिखाई, दूसरी मशीन जस्ट यहाँ पर आप देखेंगे इंजन भी रखा गया है। पहले ये इसी इंजन से चलाते थे, अभी प्रेजेंट टाइम में इंजन बंद करके ये डायरेक्ट सोलर पैनल से चला रहे हैं, और बेहतर ढंग का इनका सोलर सिस्टम जो है वो वर्क
कर पा रहा है दोस्तों। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दोनों को दोनों सिस्टम चल जा रहा है। यहाँ पर अगर मैं आपको दोस्तों यहाँ पर दिखाऊं कि भैया यहाँ पर जो दूसरी मशीन है वगैरह चल रही है, यहाँ पर इसमें भी देख सकते हैं, इसमें भी सेम दो रोल होते हैं, बड़े 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 जो रन होते हैं, जिससे यहाँ पर एक शेप लेकर देख पा रहे हैं इस तरीके का कुछ गत्ता जो है वो होता है, उसके बाद इसको सुखाते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये ड्राइव लगी है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ ड्राइव में कितने एम्पीयर करंट अभी प्रेजेंट टाइम में लेके चल पा रहा है, देख पा रहे हैं प्रयाग सोलर पावर का इंस्टॉलेशन है दोस्तों। यदि आपको भी अपने यहाँ इंस्टॉल कराना हो तो आप दिए गए नंबर पर जानकारी लेकर के कॉल कर सकते हैं और अपना जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपको और भी वीडियो देखना है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मुजफ्फरनगर से ये वीडियो बस यहीं तक का, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए लोगों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।